हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजीदा सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर। जैसा कि आज हमारे ट्रेनिंग आएंगे, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताएंगे, तो आप अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9111003 पर कॉल करें, जुड़े हमारे साथ और आपको इसी तरह से नॉलेज बूस्टअप किए जाएंगे हमारे ट्रेनर्स के द्वारा। बने रहे आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। हेलो एवरीवन, मैं रवीश कुमार पाठक छपरा बिहार से। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कॉलम के बारे में कि कॉलम में स्टील बार्स का हम कैसे यूज करते हैं, किस क्वांटिटी में, मतलब हमको अगर कोई बोले कि मीटर में निकालना है हमको कि कितना मीटर हम कॉलम में बार यूज करेंगे, कहाँ लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, ठीक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फुटिंग या फिर फुटिंग के साथ साथ कॉलम में कैसे क्या करते हैं, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस ड्राइंग को, इस ड्राइंग में आखिर है क्या क्या। इस ड्राइंग में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, कॉलम के बारे में सबसे पहले जानना है कि कॉलम में हम कैसे बार का प्लेसिंग करते हैं, क्या कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फुटिंग में बार का प्लेसिंग हम कैसे किए हैं। तो बार का प्लेसिंग हम जब भी कुछ करते हैं तो एल शेप में करते हैं, ठीक। ये फुटिंग में हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का, ठीक। तो ए से बी तक का हम जनरली जो है 24D और 300 mm कह सकते हैं, मिनिमम लेते हैं, इतना होना ही होना चाहिए, ठीक। अब हमसे कोई बोले कि भाई हमें बताओ कि लैप लेंथ कहाँ पड़ेगा, तो हमारा लैप लेंथ आखिर होता क्या है। लैप लेंथ होता है कि जब हम दो बार को कनेक्ट करते हैं, जब हम दो बार को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और कुछ दूरी पर लैप करते हैं, यानी कि ऐसे कुछ इस शेप में यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हम जो होता है कि 50D लेते हैं, यानी कि 50D। उसके बाद हम जॉगल प्रोवाइड करते हैं, जॉगल कुछ इस तरह देते हैं, बार को हम कुछ ऐसे प्लेसिंग करते हैं, ठीक। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक तो हो गया लैप लेंथ, ये हमारा जो कि जनरली 50D होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो हम बैंड करते हैं यहाँ पे, इसको हम जॉगल कहते हैं, जो कि बैंड हुआ है मेरा, उसको जॉगल कहते हैं। तो अब हमसे कोई बोले कि भाई हमें बार निकाल के बताओ कि कैसे कैसे निकालेंगे हम, तो बार निकालने का सिंपल तरीका यही रहेगा। मैं आपको फुटिंग वाले एरिया में, यानी कि NGL से नीचे का पहले बताऊँगा कि कैसे क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो दिया हुआ है हाइट, वो कितना दिया हुआ है, 2000 mm दिया हुआ है, ठीक। 2000 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 200 mm जो है हम लोग PCC उससे पहले सैंड फिलिंग किए हैं 200 mm का, तो हम 100 - 100 करेंगे, 100 सैंड फिलिंग के लिए करेंगे और 100 PCC के लिए करेंगे। उसके बाद हम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं जब फुटिंग करते हैं, तो हम लोग जो नॉर्मल फुटिंग करते हैं पाइलिंग के केस में 60 mm का लेते हैं क्लियर कवर, और वही फुटिंग का जब केस आएगा तो हम 50 mm का लेते हैं, ठीक। हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे एक मेन बार दिया गया हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड बार दिया हुआ है, ब्लू कलर से जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो हो गया हमारा मेन बार, ठीक। तो मेन बार हम लोग जनरली 12 mm का या फिर 16 mm का लेते हैं। उसके बाद भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बार, वो भी सेम ही का होता है, ठीक। तो हम 12 एक बार और माइनस करते हैं। अब जितना हमारा आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, वो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो है कि कितना बार हमने लगाया है। और एक चीज़ और, यहाँ का हमने मिस कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग जनरल यहाँ पे आज क्या ले रहे हैं, 24D या फिर 300 mm ले रहे हैं। तो प्लस में अगर हम 300 mm कर देते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा NGL के नीचे कितना मीटर का हम बार, मतलब कितना मीटर बार यूज किए हैं। अब इसके ऊपर जानना हो कि कितना करेंगे, कि इसके ऊपर के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और करने के बाद और कुछ नहीं करेंगे, इसी में एडिशन करेंगे, 300 हो गया, यानी हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कि वन ब्रिक लाइन कितने का हुआ है, यानी कि 100 mm का ब्रिक वर्क हुआ है, 400 mm का हमारा ग्राउंड बीम दिया हुआ है, लेकिन प्लिंथ लेवल का हमने जो है NGL से प्लिंथ लेवल का हाइट ले लिया है 900 mm, तो 900 mm हम यहाँ पे प्लस कर देंगे,
900 mm अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो हम पहुँच जाएंगे प्लिंथ लेवल तक। प्लिंथ लेवल तक तो पहुँच गए, मान लेते हैं इसको पहला बार ले लेते हैं कि फर्स्ट बार मेरा ये हो गया, पहले बार के लिए निकाल रहे हैं, तो हम तो यहाँ तक पहुँच गए 900 mm, यानी कि प्लिंथ लेवल तक पहुँच गए। लेकिन अब क्या है कि जनरली हम एक जो हमारा बार आता है वो आता है 12 मीटर का, ठीक, लेकिन 12 मीटर का आने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको 11.4 कटेंगे, 11.8 कटेंगे, नहीं, हम बार का ऐसा साइज करते हैं ताकि हम जो बचा हुआ बार है, यानी कि 11 मीटर का काटे तो 1 मीटर का हम कहीं यूज कर सके, ऐसा लेंथ छोड़ते हैं ताकि हम उसको रिपीट यूज कर सके, ताकि हमारा क्या हो कि प्रॉफिट ज़्यादा बने, कम ना हो। तो उसीलिए हम क्या करते हैं कि 12 मीटर का अगर बार हो तो जनरली 10.5 मीटर का ही काटते हैं, ताकि हम 1.5 मीटर का बार जो बचे हमारा कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो लैप लेंथ वैसे ही हम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो है एक्स्ट्रा बार यहाँ पे आके प्रोवाइड हो सके। ये देख सकते हैं सेकेंड वाला जो बार हमारा यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो उसका लेंथ जो हम जनरली लेते हैं प्लिंथ बीम से स्लैब के बीच का हमारा जो जनरल हाइट रहता है वो 10 फीट का रहता है, या फिर 3 मीटर भी कह सकते हैं उसको। तो L/3 में हम L/3 और L/3 ऊपर से छोड़ देते हैं, यानी कि तो जनरल जो हम लेते हैं क्या हमारा होता है ऐसा कुछ कि यहाँ से यहाँ तक इस जोन में कभी भी लैब प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि L/4 नीचे से L/4 और ऊपर से L/4 इस जोन में हम कभी भी लैब लेंथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, सेफ जोन नहीं है हमारा लैब प्रोवाइड करने के लिए। कल जाके अगर किसी भी केस में फेलियर हो गया तो बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ से यहाँ इस जोन को हम सेफ जोन भी कह सकते हैं, यह हमारा L/2 हो जाता है, ठीक। तो L/4 में जब हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो देखते हैं आप कैसे क्या होगा। तो यहाँ के लिए फिलहाल मान लीजिए हम कुछ भी हाइट ले लेते हैं, तो हम अगर बोले कि हमको L/4 में प्रोवाइड नहीं करना हो, 3 मीटर का हो जा रहा है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस L/4 कर सकते हैं, और इसको मान लेते हैं कि पहले बार का एंडिंग जो है, पहले बार का एंडिंग जो है 300 mm की दूरी पे हो रहा है, यानी कि L/4 से 300 mm ऊपर जा रहा है मेरा, तो हम 300 mm और ले लेते हैं, ठीक। अब इन सब को जोड़ने के बाद, इन सब को जोड़ने के बाद जो हमारा कैलकुलेशन जो भी आंसर आएगा वो हमारा फर्स्ट बार का कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी कि फुटिंग से जो स्टार्ट होके ए से बी और बी से सी का जो लेंथ होगा हमारा सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। अब फिर कोई बोले कि ठीक है एक बार तो ऐसे हो गया, लेकिन हम ये भी तो है ना भाई कि एक ही जगह सभी बार का लैप नहीं कर सकते हैं, अगर 4 बार एक जगह दे देंगे तो कल ना कल जाके वो फेलियर होगा ही होगा। उससे क्या करते हैं, उससे अच्छा रहता है कि कभी भी हम लैप लेंथ जब भी प्रोवाइड करते हैं तो टर्मिनेट करके करते हैं, ऐसा कि मान लेते हैं 6 बार का मेरा कोई कॉलम है, ठीक, तो इसमें हम लैप लेंथ कैसे प्रोवाइड करेंगे, टर्मिनेट करके करते हैं। अगर एक लैप लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड किए, यानी कि फर्स्ट के केस में अगर यहाँ पे किए तो दूसरा यहाँ पे करेंगे, फिर तीसरा यहाँ पे करेंगे, ठीक। इससे क्या होता है कि बकलिंग या फिर कल जाके आने वाले कुछ भी दिक्कत होगा तो वो नहीं होगा हमारा कॉलम के केस में। अगर सेकेंड वही क्या होता है कि जब हमसे कोई बोले कि ठीक है एक बार तो आपने जैसे बोला कि हम टर्मिनेट करके लगाते हैं, तो फिर कितने के डिस्टेंस पे लगाते हैं, हमसे कोई पूछे तो जनरली हम क्या करते हैं कि अगर ये मेरा एक बार 8 मीटर का कटा है तो दूसरा बार जो होता है हम जनरली 1 मीटर का करते हैं, 1 मीटर ऊपर छोड़ लेते हैं, यानी कि इस पोजीशन के आसपास इस एरिया में हम दूसरा लैप लेंथ प्रोवाइड करेंगे। आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं कि मेरा दूसरा लेंथ जो है वो भी टेंशन जोन में ही प्रोवाइड किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और फिर से एक बार मैं बता दूं कि आपका जो होगा पहला बार अगर 8 मीटर का कट रहा है तो दूसरा बार हमारा जो कटेगा वो 9 मीटर का कटेगा, और बार की प्लेसिंग हमेशा जब भी करेंगे लैप प्रोवाइड करेंगे तो टर्मिनेट करके करते हैं, ऐसा जहाँ पे मैंने बताया अगर 6 कॉलम है 6 बार लगा हुआ है तो एक यहाँ पर लगेगा तो दूसरा यहाँ पर लगेगा और तीसरा यहाँ पर निकलेगा। तो
यही मेरा आज का कहना था कि कॉलम का कुछ केस ऐसा रहता है, इसके बाद अगर हमें बार जोड़ना होगा तो हमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। क्या करता हो करना होता है कि सेकेंड बार हम जब प्रोवाइड करेंगे तो उसका हम यहाँ से जब लेंथ लेते हैं, यहाँ से जनरली लोग यहाँ से लेते हैं, उसमें हमें 50D का लैप लेंथ प्रोवाइड करना होता है, उससे कॉलम या फिर बार में मजबूती प्रोवाइड होगा। ठीक, तो हम देख सकते हैं, बस कर लीजिएगा कुछ नहीं, सेकेंड के केस में हम 50D ले लेते हैं, उससे हमारा आसान हो जाता है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आया हो, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से, सिविल इंजीनियर दोस्तों से, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।